गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर उसरी गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों ने SC/ST के विरोध में उतरकर एक बैठक किया, जिसमें बीजेपी सरकार के आक्रोश व्यक्त कर और 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई गई है। वहीं ब्राह्मण समाज द्वारा सरकार को चेताया गया कि अगर सरकार SC/ST के मामले में बदलाव नहीं किया तो आने वाले चुनाव में वोट का ब्राह्मण समाज द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार को अपनी औकात समझ में आ जाएगी। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र के सभी ब्राह्मणों ने एक साथ होकर सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई। हमने बैठक किया है अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज समिति की। हम लोग जो SC/ST का जो कानून पास किया है, इसका हम खुली विरोध कर रहे हैं, इसी के लिए मैं बैठक किया। क्या उत्पीड़न तो नहीं होता है, ये लोग गलत फंसा रहे हैं, उत्पीड़न का फायदा उठा करके SC/ST का। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने अभी सुना, मथुरा में एक पांडे परिवार को दलित ने, उसका किसी और ने मर्डर किया और उस पांडे को फंसा करके जेल डाला गया, जिसके उपलक्ष्य में 8 लाख जुर्माना SC/ST वालों ने वसूला। तो उन्होंने, अब सरकार जो है दलित से वो जुर्माना वसूले काम कर रही है। और ये जो SC/ST जो चला है, इससे सवर्ग का ब्राह्मण वर्ग तो आहत ही है, ब्राह्मण समाज आहत ही है, हर सवर्ण वर्ग भी आहत है। और ये लोग झूठा इल्ज़ाम लगा करके लोगों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, SC/ST का केस लगा करके। लेकिन हमारे ब्राह्मणों का उत्पीड़न सबसे ज़्यादा इस सरकार में हुआ है, नहीं करेंगे। और अगर यही रवैया रहेगी तो हमारा ब्राह्मण समाज शायद इनको वोट का बहिष्कार करेगा। कहेंगे हम तो इसका विरोध कर रहे हैं, हम ये नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज बिल्कुल उठा रहे हैं और उठाएंगे। और यदि हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे तो ये और आगे मैटर बढ़ता जाएगा। सरकार को वोट चाहिए। ब्राह्मण के बारे में आज ले कोई सोचा है न? सोचा ही न सोचेगा, इसलिए हम लोग इसी के लिए मीटिंग किए।